अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं हूँ आयशा लखानी, आपकी डाइटिशियन, आपकी मेंटोर। आज मैं आप लोगों को बहुत मजे की चीज सिखाने वाली हूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज। सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बहुत दफा ये सुना गया है कि भाई कॉलेजन खाओ, कॉलेजन की गोलियां, कॉलेजन का पाउडर, कॉलेजन कॉलेजन कॉलेजन, राइट। सो और बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कॉलेजन नहीं, उनको नहीं मिलता। एंड तो मैं आज आप लोगों को घर में कॉलेजन बनाने का तरीका बताती हूँ। इट्स वेरी रिच, इट्स वेरी पावरफुल एंड इट हैज पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स। और आप इसको सिर्फ स्किन और हेयर के अलावा और भी बहुत सारी चीजों के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। आप पहले इसके इंग्रेडिएंट्स तो सुनिए। अच्छा, और एक्चुअली होता यह है कि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप कॉलेजन पाउडर पियेंगे तो आपका कॉलेजन बनेगा। कॉलेजन बनता नहीं है, कॉलेजन हमारी बॉडी खुद बनाती है। हम ऊपर से कोई चीज लेके कॉलेजन को नहीं बना सकते, ना ही कैप्सूल कॉलेजन के। व्हेन इट सेज कॉलेजन का कैप्सूल, दैट डज नॉट मीन दैट इट हैज कॉलेजन इन इट और द कॉलेजन पाउडर। इट डज नॉट, आप कॉलेजन का पाउडर, कॉलेजन के कैप्सूल्स इसलिए लेते हैं ताकि आपकी बॉडी में जो कॉलेजन है आप उसको बूस्ट कर सकें। सिर्फ बूस्टिंग की ये चीजें काम करती हैं। कॉलेजन हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। हमारी स्किन के नीचे जो लेयर है उधर कॉलेजन है। सो समटाइम्स वो थोड़ा डाई डाउन हो जाता है, तो यू जस्ट नीड्स एक्स्ट्रा एफर्ट टू बूस्ट इट। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए? थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट इट्स वेरी इफेक्टिव। सिंस धूप भी आ रही है तो आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको आमंड का पाउडर, अब तो आमंड फ्लावर भी मिलता है, वही आमंड बादाम का बना हुआ, आप ओवरनाइट उसको सोक कर दीजिए बादामों को। फिर उसके बाद उसे ड्राई करिएगा और छिलका हटा दे, छिलका नहीं हटाएं, दैट्स इंटायरली अप टू यू, बट आमंड पाउडर की हमें जरूरत है इधर। और हमें तुलसी का पाउडर बस आसानी से आपको बाजार में मिल जाएगा, उसकी जरूरत है। रोज पेटल के ड्राई पत्ते मिलते हैं तो आप वो इस्तेमाल करके उसको ब्लेंड कर दीजिए तो उसका अच्छे तरीके से पाउडर बन जाता है। दो अब ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इट्स रियली वर्थ इट। पालक, आपने बहुत सारी पालक ले ली एंड यू लेट इट ड्राई। दोपहर में बाहर में आपने सारा दिन धूप में उसको रख दिया, फिर रात में आप अंदर आ गए, यू हैव टू डू इट फॉर कपल ऑफ डेज ताकि वो पालक पूरी ड्राई हो जाए। वैसे तो जल्दी हो जाती है, एंड देन यू उसको ब्लेंड कर दें तो वो पाउडर बन जाएगा। दूसरा होता है कैरेट्स। कैरेट्स का एंड का आपने हिस्सा काट दिया और कैरेट्स को आपने ड्राई करना है बिल्कुल। कैरेट्स जब बिल्कुल ड्राई हो जाए, छोटे छोटे उसको टुकड़े काट के आपने रख दिया और वो ड्राई हो जाए, फिर आप उसको ब्लेंड करिए। और ये तो कैरेट्स का पाउडर, पालक का पाउडर, तुलसी का पाउडर, अमरूद का पाउडर और रोज पेटल का पाउडर, ये सारे पाउडर्स आपने इक्वल क्वांटिटी में डालने हैं एक बरनी में या शीशी में। और आपने हर अपने दोपहर के लंच के बाद या नाश्ते के बाद एक टेबलस्पून इसको पानी में डाल के या अपनी स्मूदी में डाल के आपको इसको पीना है। ये सिर्फ कॉलेजन सिर्फ आपके स्किन और बाल के लिए नहीं, ये डायबिटीज के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, ये कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये लिवर सिरोसिस वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आर्थराइटिस वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। सो हूएवर वॉन्ट्स टू डू इट कैन मेक अ बिग लंप फॉर द होल फैमिली एंड यू ऑल कैन यूज इट। ठीक है, सो आई होप मेरा घर का बना हुआ कॉलेजन, आपको तो पता है आई कीप अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच, लाइक आई ऑलवेज से किचन इज योर फार्मेसी एंड फूड इज योर मेडिसिन। तो हम इन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे एंड वील गेट द बेस्ट आउट ऑफ दीज थिंग्स। यू गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई लव यू, बाय।